तहरीके अजमत आलो असहाब रसूल पाकिस्तान के सरबरा मुनादिर इस्लाम शेख और हदीस बतफसीर उस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूं। अजमत सहाबा पर गुफ्तगू करें तो राफ़ी मुर्दा दिखाई देते हैं और अजमत अहले बैत पर गुफ्तगू करें तो खारजियत और मौत वाक़ हो जाती है। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को जुर्रत के साथ बयान करने वाले, और मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा अगरचे वक्त की कमी है, जज्बात का एहसास करते हुए मैं चाहूंगा हम हाथ खड़ा करके उनके खिताब से पहले ये भी ऐलान कर दें, अहले सुन्नत न सहाबा के गुस्ताख से ताल्लुक रखेंगे न अहले बैत के गुस्ताख से ताल्लुक रखेंगे। ये नजरिया हो तो हाथ खड़ा करके, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, जिनका ये नजरिया है सारे हाथ खड़ा करें। मैं अरमान जवाब देना चाहता हूं, कोई हम पर इल्मी लोग नहीं पाए और कोई हम पर ये न कहे फलां ये है फलां वो है। मैं दो लफ्जों में जवाब देना चाहता हूं जो सैयदा ज़हरा पाक की अजमत के बारे में तकरार करे, कोई भी हो वो भी और उसके हामी भी हमारे फितने के लोग पर और जो सहाबा के खिलाफ बकवास करे वो भी और उसके हामी भी हमारे और सारे आदमी हैं भाई अपनी हो जाए। सहाबा के दुश्मन से हमारा कोई ताल्लुक, जिसके हाथ नीचे है अल्लाह रसूल जानते हैं, और अहले बैत के मुस्ताफ से हमारा कोई ताल्लुक, सैयदा ज़हरा पाक के बेगम से हमारा कोई ताल्लुक, सारे हजरात मशायख इदारे यकजहती कर रहे हैं और आप ये सैयदा ज़हरा के नाम पे खड़ा होना है, किसी और कामों के लिए खड़ा नहीं होना, इदारे यकजहती करें सैयदा ज़हरा पाक के बेदब से हमारा कोई ताकत नहीं और सहाबा के बेदब से भी हमारा कोई